हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करेंगे। मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन ऑफलाइन। और इसमें आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, मैं आपको सब कुछ क्लियर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद में आपको बेल के आइकन को क्लिक कर देना है, ताकि मैं जो नई वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अब दोस्तों, आ जाता है पहला तरीका, ऑनलाइन। अगर आप राशन कार्ड को ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो आपको जन सेवा केंद्र में जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। पहले क्या होता था कि आप किसी भी दुकान पे जाते थे, वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई हो जाता था, आपका फॉर्म भी भरा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको जन सेवा केंद्र में जाना पड़ेगा। आपको अपना आधार कार्ड और दो फोटो लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जन सेवा केंद्र में कुछ ऐसा प्रोसेस है जो वहीं पर हो सकता है, बाकी किसी दुकान पर नहीं हो सकता, ना तो आप घर पर कर सकते हैं। तो अगर आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको जन सेवा केंद्र में जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आप शादीशुदा हैं तभी आपका राशन कार्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अभी जो राशन कार्ड बनने वाला है औरत के नाम से बनने वाला है, मतलब आपके पत्नी के नाम से बनेगा। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका राशन कार्ड बनेगा, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपका राशन कार्ड नहीं बन सकता। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपका नाम आपके मम्मी पापा के राशन कार्ड में जुड़ जाएगा। तो दोस्तों, जन सेवा केंद्र में ये सब प्रोसेस करने के बाद आपको एक रसीद मिल जाएगा, जिसके कुछ ही दिनों बाद आपको राशन कार्ड मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं ऑफलाइन की। तो दोस्तों, ऑफलाइन में आपको एक फॉर्म भरना होता है, आपको मार्केट से एक फॉर्म लाना पड़ेगा राशन कार्ड का। उसमें आपको सबका नाम डालना पड़ेगा, आपके घर में कितनी यूनिट है, और आपको ध्यान देना होगा कि किसी का नाम डबल ना हो, किसी का नाम गलत ना हो, नहीं तो वही नाम चढ़ जाएगा। और आपको खास करके डेट ऑफ बर्थ का ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों डेट ऑफ बर्थ से बहुत ही लफड़ा हो जाता है। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपके परिवार में जितने लोग हैं सभी के आधार कार्ड का जरूरत करवाना पड़ेगा, और उस जरूरत को आपको फॉर्म के पीछे लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सब करने के बाद आप उस फॉर्म को अपने ग्राम प्रधान की तरफ जमा कर सकते हैं। उसके बाद जो भी कार्रवाई है आपके ग्राम प्रधान कर देंगे, और उसके कुछ ही दिनों बाद आपका राशन कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको यह चैनल पसंद आता है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।